हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाइगर थ्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में, एडवांस बुकिंग के बारे में एंड ऑडियंस ऑक्युपेंसी के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि टाइगर थ्री कल रिलीज हो रहा है, यानी कुछ ही घंटों में टाइगर थ्री आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर थ्री मूवी कितने एडवांस बुकिंग की है एंड कितने शो काउंट कितने स्क्रीन में रिलीज हो रहा है? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, टाइगर थ्री मूवी ने अभी तक यानी रात 9 बजे तक लगभग 22 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है ऑल फॉर्मेट मिला के। इनमें से हिंदी 2D वर्सन से टाइगर थ्री ने 19 करोड़ की कमाई कर ली है एंड हिंदी 2D में 7 लाख का टिकट सेल कर दिया है। बात करते हैं आईमैक्स वर्सन में टाइगर थ्री ने 76 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली है। बात करते हैं तेलुगु के बारे में, तेलुगु में अभी तक टाइगर थ्री ने 40 लाख का एडवांस बुकिंग कर ली है एंड तेलुगु वर्सन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बात करते हैं तमिल वर्सन में अभी तक टाइगर थ्री ने 40 लाख का एडवांस बुकिंग कर ली है। दोस्तों, बात करते हैं टाइगर थ्री ने रात 9 बजे तक टोटल टिकट सोल्ड किया है 8 लाख, जिसमें से नेशनल सिनेमा मल्टीप्लेक्स से ही लगभग 3 लाख का टिकट सोल्ड किया है। आप समझ सकते हो कि टाइगर थ्री मूवी कितने हावी होता है सिंगल स्क्रीन मूवी में, जहाँ पे 5 लाख के ऊपर टिकट सोल्ड किया है। टोटल 8 लाख टिकट सोल्ड किया है टाइगर थ्री ने अपने ओपनिंग डे के लिए एंड टोटल इंडिया नेट और एडवांस बुकिंग किया है 22 करोड़ एंड ओवरसीज का एडवांस बुकिंग मिला के टाइगर थ्री ने ओपनिंग डे के लिए 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। और एक कलेक्शन ही काफ़ी है टाइगर थ्री को अपने ओपनिंग डे में 100 करोड़ के ऊपर कमाई करने के लिए। दोस्तों, आपको बता के चले कि टाइगर थ्री मूवी का जो स्क्रीन काउंट मिला है वो है इंडिया से 5,500 स्क्रीन एंड ओवरसीज से 3,400 स्क्रीन। टोटल जो स्क्रीन काउंट मिला है टाइगर थ्री को वो है 8,900 स्क्रीन। दोस्तों, बात करते हैं टाइगर थ्री को शो काउंट के बारे में। तो शो काउंट जबरदस्त मिला है सभी सेंटर को। बात करते हैं दिल्ली एंड शहर में लगभग 1600 शो मिला है, इसमें से 300 शो हाउसफुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। मुंबई में 1340 शो मिला है, जहाँ पे 300 शो फुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। बात करते हैं पुणे में 489 शो मिला है, जहाँ पे 100 शो फुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। बात करते हैं बेंगलुरु में 589 शो मिला है, जहाँ पे 210 शो हाउसफुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। बात करते हैं हैदराबाद में 489 शो मिला है, जहाँ पे 225 शो हाउसफुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। बात करते हैं कलकत्ता के बारे में, कलकत्ता में 466 शो मिला है, जहाँ पे 260 शो हाउसफुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में, अहमदाबाद में 868 शो मिला है, जहाँ पे 200 शो फुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। बात करते हैं चेन्नई के बारे में, चेन्नई में 126 शो मिला है, जहाँ पे 100 शो फुल एंड फास्ट फिलिंग चल रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो पूरे इंडिया में ऐसा हंगामा मचा गया है। तो टाइगर थ्री एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो ऐसा ही रिस्पांस मिलता रहेगा। तो दिवाली के दिन टाइगर थ्री ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग लेगा बॉक्स ऑफिस पे एंड एक ह्यूज नंबर कलेक्शन कमाई करने में सक्षम होगा। दोस्तों, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब ओवरसीज में टाइगर थ्री रिलीज हो गया है एंड बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड रिव्यू मिल रहा है। तो दोस्तों, टाइगर थ्री मूवी का ऐसा ही क्रेज देखने के बाद मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा बढ़ता है एंड मेरा प्रेडिक्शन होता है ओपनिंग डे के लिए 45 करोड़ to 50 करोड़ रुपया इंडिया नेट कलेक्शन एंड जिसका ग्रॉस कलेक्शन होता है 60 करोड़ एंड ओवरसीज से 40 करोड़ मिला के टोटल डे वन के लिए टाइगर थ्री मूवी का जो कलेक्शन आएगा वो है 100 करोड़। दोस्तों, आपको क्या लगता है टाइगर थ्री मूवी अपने ओपनिंग डे में कितना कलेक्शन कर सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। मेरी बारी है, इस बार तू हारेगा टाइगर। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं।